Hello friends, let's understand more definitions of this chapter. And once we understand these all definitions, we will solve more numericals. जो भी definitions आएगी उसके related numericals उसके साथ ही ले लेंगे, so that you understand better. Uniform motion. If an object travels equal distance in the same interval of time, the object is said to be in moving with uniform motion. अगर object जो है वो equal distance in same interval of time, पहले 15 minutes में इतना, दूसरे 15 minutes में भी उतना है, तीसरे 15 minutes में भी उतना है, same distance travel कर रहा है, तो उसे uniform motion बोलेंगे. Non-uniform motion, if an object does not travel equal distance in the same interval of time में equal distance नहीं travel कर रहा है, तो we can say body is moving in non-uniform motion. Motion जो है वो non-uniform है, ठीक है. अभी speed, तो speed क्या होगा, speed is equal to distance upon time, ठीक है. तो speed ratio of the distance travel by a body and time taken for it is known as speed. इसको मैं और better language में explain कर रहा हूँ. Suppose distance from Ahmedabad to Mumbai, let's say Bombay, is 500 kilometer and मैं बताऊँ कि मेरी ट्रेन की स्पीड, मेरी ट्रेन मैं बताऊँ कि यहाँ सॉरी मैं बताऊँ कि यहाँ तक पहुँचने मुझे 5 hours लग रहे हैं, तो मेरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो एनी वन कैन से 100 किलोमीटर पर आवर. एक आवर में 100 किलोमीटर थी, इसीलिए 500 को 5 से डिवाइड किया तो 100 आ गया. एक वन आवर में 500, 5 hours में 500 किलोमीटर, ठीक है. तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और उसके लिए जो टाइम कंज्यूम होता है वो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी. तो नाउ वी नो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर इट, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड में कुछ नहीं है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है. एवरेज स्पीड में दो मेजर देंगे, जैसे बोलेंगे एवरेज स्पीड ढूंढनी है तो कि एक ट्रेन थी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको समझ आएगा कि डिस्टेंस और एवरेज सॉरी स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है. मैं बता रहा हूं स्पीड एवरेज स्पीड, ठीक है. नाउ स्पीड इज वॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. दैट इज सपोज मुंबई वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 500 अपॉन 5, ठीक है. एवरेज स्पीड यहां से ट्रेन मुंबई जाती है 500 किलोमीटर, ठीक है, उसमें उसको 5 hours लगते हैं. वहां से वो 300 किलोमीटर जाती है पुणे, उसमें उसको 2 hours लग रहे हैं. तो हमें एवरेज स्पीड ढूंढनी है. अभी एवरेज स्पीड कैसे ढूंढेंगे, तो ये दोनों डिस्टेंस का प्लस करेंगे, ये दोनों टाइम का भी प्लस करेंगे. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी 800 अपॉन 7, अभी आ रहा है समझ में. तो इसमें एक ही यूनिट होगा, उसमें दो दो यूनिट होंगे, उसका प्लस करना है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस सम, दिस इज रिलेटेड विद एवरेज स्पीड, ठीक है. ओके, अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर्स, देखो दो यूनिट दिए हुए हैं, सम डिस्टेंस इन 15 मिनट, सम डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस नहीं पता है, सम डिस्टेंस इन 15 मिनट विथ यूनिफॉर्म स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से ट्रैवल किया आपको कितने मिनट, 15 मिनट. दूसरा जो डिस्टेंस था वो भी कितना है पता नहीं, रिमेनिंग उसको बता दिया, जो रह गया है वो भी 15 मिनट में एट यूनिफॉर्म स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेट एवरेज स्पीड. अभी जैसे हमने आगे किया था उसी तरह मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ हाउ टू सॉल्व दिस, देन वी विल सॉल्व इट सिस्टमैटिक, ठीक है. तो सबसे पहले देखो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, मिनट कितनी है 15, ठीक है. ओके, 15 मिनट है, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं नहीं पता, ठीक है. ओके, ये कितना कितनी स्पीड दी गई है, 48 किलोमीटर पर आवर. अभी 48 किलोमीटर पर आवर को मैं ऐसा बोल सकता हूं 48 किलोमीटर इन 60 मिनट्स, बिकॉज वन आवर में 60 मिनट्स होती है, ठीक है. अभी मैं देखो बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया लगा के इसका आंसर ढूंढ रहा हूं. 60 मिनट्स में 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है, वो जो बस कार है व्हीकल जो भी है. 48 किलोमीटर पर आवर मीन्स 60 मिनट्स में 48 किलोमीटर, ठीक है. अभी 60 मिनट में 48 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, ऐसा मैंने इक्वेशन लगा दिया, क्योंकि 15 मिनट में सम डिस्टेंस, वो सम डिस्टेंस मुझे पता करना है, ठीक है. तो 60 मिनट में 48 किलोमीटर ट्रैवल करता होगा, तो 15 मिनट में लेट्स से 15 अपॉन 60 इंटू 48, 15 4 जा 4 12 जा, ठीक है. तो ये हो गया 12 किलोमीटर, ठीक है. उसके बाद मिनट्स किलोमीटर, ठीक है. ओके, अभी दूसरे इक्वेशन में क्या स्पीड दी गई है, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो 60 मिनट्स में पर आवर इज 60 मिनट्स में 56 किलोमीटर, तो 15 मिनट्स में कितना, क्योंकि वो टोटल ट्रैवल कितना कितने आवर्स कर रहा है, आधा घंटा, 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं. अभी ये हो जाएगा 15 अपॉन
60 इंटू 56, 15 फोर जा 60, 4 14 जा 56, तो ये हो गया 14 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 12 प्लस 14 दैट इज 26। टोटल टाइम कितना हो गया, तो टोटल टाइम हो गया 30 मिनट्स। ठीक है, विद 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड में हम जनरली ऐसा लगते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मिनट में स्पीड हम डिनोट नहीं करते, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पर किलोमीटर पर आवर स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसमें कन्वर्ट करना है। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम दैट इज 15 मिनट प्लस 15 मिनट दैट इज 30 मिनट। 30 मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होती है, 3 टू 6, तो दैट्स 1/2, ठीक है, 1/2 आवर। अभी एवरेज स्पीड कैसे ढूंढेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है, स्पीड को वैसे मैंने एस लिखा था पर उसको वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, एवरेज स्पीड ऐसे लिख सकते हैं, वी एवीजी, एवीजी इज एवरेज। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 26, ठीक है, 26 कहां से आया, ये रहा 12 प्लस 14, एंड टोटल टाइम कितना जा रहा है, 1/2 आवर, 1/2 यानी 1/2 आवर, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा ये, सो 26/1, और इसको अगर बाजू में लेना है तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल यानी लाइक दिस, ये हो गया 52 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा आंसर हो गया 52 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड हो गई। अभी उसको हम सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं, जो आप लिख सकते हो, ठीक है, देखो मैंने सेम इक्वेशन लगा दिया जो मैंने अभी समझाया, ठीक है, अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया 26 किलोमीटर, ठीक है, टोटल टाइम हो गया 30 मिनट्स, उसको मैंने आवर में कन्वर्ट किया। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है क्यों आवर में कन्वर्ट किया, तो स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर पर आवर है, तो 1/2 आवर हो गया, ठीक है। अभी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 26/1/2, जैसे मैंने अभी रेसिप्रोकल किया वैसे रेसिप्रोकल किया, माय आंसर इज 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी उसके जैसा सेम दूसरा सम है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम टेक्स्ट बुक, यू कैन ट्राई इट, ठीक है, अगर आपका आंसर नहीं मैच होता है तो आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।